विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 112 इक्वल जीरो, एक गिवन है। सेकंड वन इज एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 120 इक्वल जीरो। तो हमें इन दोनों के इक्वेशंस के थ्रू हमें एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर वन नाम देंगे और इसे इक्वेशन नंबर टू नाम देंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन पे फोकस कर दो। क्या है इक्वेशन नंबर वन? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 112 इक्वल जीरो, तो इक्वेशन नंबर वन है। तो ये माइनस एक्स वाई है, राइट साइड में लो, तब ये बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस 112 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। तो दोनों तरफ अगर हम x से अगर डिवाइड किया दोनों तरफ, तो क्या बनता है भाई? एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई ओनली। यहाँ पर रखेंगे एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो ए एक्स कट हो गया इधर, और यहाँ पर ए एक्स कट हो गया। यहाँ पर एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ओनली वाई रिमेनिंग रहेगा। ओके, देयरफॉर वाई इक्वल्स एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाई एक्स। ये इक्वेशन नंबर थर्ड समझ लीजिए, नाम दीजिए। वन टू तो हो गया, तो यहाँ पर मैं थर्ड लिख लूँगा, वाई इक्वल्स एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसे इक्वेशन नंबर थ्री कहेंगे। अभी क्या कर दो, फोकस ऑन इक्वेशन टू। इक्वेशन नंबर टू पे फोकस कर दो। तो क्या है इक्वेशन नंबर फोर? वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर वाई का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर थ्री से मालूम है, एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर जहाँ भी y दिख रहे हैं, हमें y का वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया, तो y x माइनस 112 डिवाइडेड बाय x और स्क्वायर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस ऑफ x एज वेल रखेंगे। लेकिन y का वैल्यू क्या है? x माइनस 112 डिवाइडेड बाय x माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा हो गया। a माइनस बी, ये आइडेंटिटी अगर हम ये इधर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इज x हो जाएगा, b इज 112 डिवाइड बाई x हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर ये किया, तो ये बनते हैं ये माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 112 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए इज एक्स इंटू बी इज 112 डिवाइडेड बाई एक्स। ये एक हो गया, और ये प्लस ऑफ ये एक्स से दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, तब ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 112 टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स एज यूजुअल है, और माइनस 120 आल्सो है इक्वल्स जीरो। तो अभी यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर एज यूजुअल रखेंगे, प्लस ऑफ 112 होल स्क्वायर। 112 होल स्क्वायर क्या होता है? उसका स्क्वेयरिंग की अगर किया, तो 1 to 5 4 112 होल स्क्वायर मीन्स 1 to 5 4 12,544 डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वेयर एज दो। माइनस यहाँ पर ए एक्स कट कर दो, ए एक्स कट कर दो, ये माइनस ऑफ 2 into 1 212 आ रहा है, तो 2 into 112 मीन्स 224 बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये प्लस है, प्लस ही रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर एज यूजुअल रखेंगे, और यहाँ पर ए एक्स दोनों कट हो जाएगा, तो माइनस 112 रिमेनिंग रहेगा, माइनस यहाँ पर 120 ऑलरेडी है इक्वल्स जीरो। तो अभी यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, 1 x² 1 x² मीन्स 2 x² रिमेनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर 1,012,544
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज यू रखेंगे, और माइनस ऑफ ये सब माइनस ही है, माइनस माइनस माइनस, अगर इन तीनों का अगर समेशन किया माइनस में तो 456 बनते हैं, तो माइनस 224 माइनस 112 माइनस 120 मीन्स 456 इक्वल्स जीरो, 2x² प्लस ऑफ 12544 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 456 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर तीनों में देखो ये एक्स स्क्वायर इधर फ्रैक्शन में है, अगर इसे ये फ्रैक्शन अगर निकालना है तो इस होल इक्वेशंस को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको एक्स स्क्वायर से, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये बनता है 2x² इंटू 2 टाइम्स x² मीन्स 2x⁴ बनते हैं, प्लस ऑफ यहाँ पर ये x² और ये x² निकल जाएगा, 12544 इतना ही रिमेनिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पर 456 टाइम्स x² रहेगा, इक्वल्स 0 इंटू एनी नंबर मीन्स 0 रहते हैं, ठीक है। तो इधर देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि ये सब इवन नंबर है तीनों, तो ये अगर 2 निकालना है तो सबको 2 से डिवाइड करो, तब ये 2 तो हट जाएगा, 2 से अगर डिवाइड किया तो x⁴ उतना ही रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर 6 2 7 2 6 2 7 2 रहेगा, माइनस यहाँ पर 2 2 8 x² इज इक्वल टू 0। ये पहले लिखेंगे अभी x⁴ माइनस 228 x² प्लस 6 2 7 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये x⁴ है, इसे हम क्या करेंगे, x⁴ होल स्क्वायर करेंगे, तो x⁴ ही बनते हैं, माइनस यहाँ पर 228 x² है एज वेल, प्लस यहाँ पर 6 2 7 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट x² इज इक्वल्स टू टी, अगर x² की जगह में अगर टी रखा तो ये बनते हैं t² माइनस 228 t, ओके, प्लस 6 2 7 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टरेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टरेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर इसका टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट यहाँ 6 2 7 2 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 6 2 7 2, 6 2 7 2 को अगर हम फैक्टर किया तो 32 × 196 मतलब 6 2 7 2 होते हैं, क्योंकि ऐसे क्यों करना है, हमें माइनस 228 भी दोनों से आना है, तो दोनों से अगर मल्टीप्लिकेशन 6 2 1 2 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो माइनस माइनस अगर प्लस किया दोनों तो माइनस 228 टी बनेगा, और दोनों का माइनस 32 × −196 का मल्टीप्लिकेशन 6 2 9 2 7 2 भी बनेगा, ठीक है। तब हमें यहाँ पर अभी क्या इक्वेशन मिलेगा, हमें टी स्क्वेयर माइनस 228 इंटू 2 मीन्स 32 टी माइनस 196 टी प्लस 6 2 7 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में टी कॉमन है और इन दोनों में नेगेटिव 196 कॉमन है, तो यहाँ पर अगर टी कॉमन लिया तो टी माइनस 32 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, माइनस अगर 196 यहाँ पर कॉमन लिया तो टी माइनस यहाँ पर भी 32 रिमेनिंग रहेगा इक्वल्स 0। यहाँ पर दोनों के बीच में ये इसमें दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है और टी माइनस 32 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, टी माइनस 32 यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे
और यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा टी और ये माइनस 196 इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब हमें दो फैक्टर्स मिला जीरो का, टी माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा मिल रहा है टी माइनस 196 इज इक्वल टू जीरो। तो ये टी यहाँ पर राइट साइड में लो तो टी माइनस 32 राइट साइड में लिया तो पॉजिटिव 32 बनते और यहाँ पर ये नेगेटिव 196 राइट साइड में लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव 196 बनते, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर लेट किया है टी का वैल्यू एक्स स्क्वेयर, तो ये रिकॉल कर दो, रिकॉल टी, टी का वैल्यू इक्वल्स एक्स स्क्वेयर, तब क्या बनते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 32 बनते हैं। यहाँ पर भी टी का वैल्यू एक्स स्क्वेयर अगर रिकॉल किया एक्स स्क्वेयर इक्वल्स यहाँ पर भी 196 बनते हैं। तो हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तब ये दोनों कट हो जाएगा, हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा इक्वल्स प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 32, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अगर दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या होता है ये दोनों गया तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 196 मीन्स यहाँ पर उसका आंसर होता है 14। तो यहाँ पर और हम ये कर सकते हैं 32 को, 32 की क्या कर सकते हैं हम देखो स्क्वेयर रूट 32 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 16 इंटू 2, तो इसका मतलब स्क्वेयर रूट 16 इंटू 2 स्क्वेयर रूट 2 मतलब 4√2 है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर प्लस आर माइनस 4√2 भी हम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक प्लस 4√2 मिला, एक नेगेटिव 4√2 मिला, यहाँ पर क्या मिला हमें पॉजिटिव 14 मिला और नेगेटिव 14 मिला, इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमें 4 मिला है। क्या क्या मिला हमें एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल्स प्लस और माइनस 14 एक बार एंड एक्स इक्वल्स प्लस आर माइनस 4√2, ठीक है। तो इनके थ्रू ये एक्स हमें मिला है तो वाई का वैल्यू हम आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि वाई का वैल्यू इक्वेशन 3 है, वाई का वैल्यू इक्वल्स एक्स माइनस 1/2 डिवाइड बाई एक्स। इस इक्वेशन 3 में हम एक्स का वैल्यू एक एक पुट करेंगे, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, नेक्स्ट एक बार 4√2 का प्लस का और नेगेटिव 4√2 का। सबसे पहले हम प्लस 14 का चेक करेंगे, वेन एक्स इज इक्वल टू प्लस 14 तब क्या होता है देखेंगे। ये जो एक्स इक्वल्स प्लस 14 है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वाई इक्वल्स एक्स माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स है। तो वाई इक्वल्स एक्स का वैल्यू 14 है तो 14 रख दो माइनस 112 डिवाइडेड बाई ये भी 14 बनता है। तो 14 वाई इक्वल्स 14 माइनस 14 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 14 इसका वैल्यू बनता है, डिवाइड कर दो 8 बनते 14 8 जार 112 तो यहाँ पर 8 रिमेनिंग रहेगा। तो y इक्वल्स 14 माइनस 8 मीन्स 6 आता है। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव 14 है तो y का वैल्यू पॉजिटिव 6 आ गया। हम यहाँ पर नोट डाउन करते आएंगे x और यहाँ पर y। तो x का वैल्यू हम क्या किया पॉजिटिव 14 लिया तो पॉजिटिव 14 मैं लिख लूँगा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव 6 आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, वेन एक्स इक्वल्स नेगेटिव 14 ये पॉजिटिव 14 लिया अभी नेगेटिव 14 ये जो एक्स इक्वल्स नेगेटिव 14 है इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है एक्स माइनस 112 वाई इक्वल्स एक्स माइनस 112 डिवाइड बाई एक्स है। तो एक्स का वैल्यू जहाँ भी है नेगेटिव 14 रखेंगे हम माइनस ऑफ 112 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 14। तो ये नेगेटिव 14 नेगेटिव 14 ये तो नेगेटिव 14 रहेगा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर भी 8 आ जाएगा 14 112 डिवाइडेड 14 मीन्स 8 आ जाएगा लेकिन ये प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या बन रहा है माइनस 14 प्लस 8 मीन्स माइनस 6
अगर x का वैल्यू -14 है तो y का वैल्यू -6 है, -14 अगर रहा तो y का वैल्यू -6 है, ठीक है। इनका तो हो गया, अभी इनका देखेंगे। व्हेन x इक्वल्स 4√2, पॉजिटिव 4√2, देन x y का वैल्यू क्या है, y इक्वल्स, पहले नोट डाउन कर लेंगे उसका, y इज इक्वल्स टू x माइनस 112 डिवाइडेड बाई 2x। तो इस इक्वेशन में y x का वैल्यू 4√2, यहाँ जहाँ यह x है वहाँ पर पुट कर दो, तो 4√2 माइनस 112 डिवाइडेड बाई 4√2, तो यहाँ पर 4 निकल जाएगा, 4 1 4 4 2 8 32 4 8 32, है ना। तो इक्वल्स 4√2 माइनस 28 डिवाइड बाई √2 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 28 डिवाइड बाई √2 मीन्स √2 रैशनलाइज नंबर हो गया, तो इसे अगर निकालना है तो 28 ये माइनस 28 है, माइनस तो रहने दो, खाली 28 √2 ही लेंगे हम, तो इसको √2 और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर दो, तब ये 28 √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 मीन्स √2 होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर 2 ही आता है। तो अगर 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 1 2 2 9 2 1 2 2 4 8, है ना। तो यहाँ पर 14√2 आ जाएगा, ये यहाँ पर 4√2 माइनस 28√2 का वैल्यू, 28√2 का वैल्यू 14√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √2 √2 सेम है वह अंदर का सर्च, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 4√2 माइनस 14√2 मीन्स -10√2 मिलता है। ये हो गया y का वैल्यू, व्हेन x का वैल्यू 4√2 देन y का वैल्यू इज -10√2। यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे पहले पॉजिटिव 4√2, देन y का वैल्यू -10√2, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स -4√2, अगर ये वैल्यू इसमें पुट किया तो क्या आता है, देखो कौन सा इक्वेशन नंबर 3, y इक्वल्स x माइनस 112 डिवाइडेड बाई x, तो y इक्वल्स x इज -4√2 माइनस 112 डिवाइडेड बाई x मीन्स नेगेटिव टाइम्स यहाँ पर भी 4√2, तो y इक्वल्स -4√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले ये 4 का डिवाइड करेंगे, तो ये 4 का डिवाइड किया तो 4 2 8 और 3 रहेगा 32, 4 8 32, मतलब -28 डिवाइडेड बाई -√2 मीन्स +28 डिवाइडेड बाई √2 बनता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर रैशनल नंबर आ गया, तो 28 डिवाइड बाई √2, इसको अगर √2 को अगर रैशनलाइज डिनोमिनेटर किया तो ये बनता है 28 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल्स 2 1 2 2 4 यानी 14√2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 14√2, तो y इक्वल्स -4√2 प्लस 14√2, ठीक है। देन y इक्वल्स क्या आ रहा है, तो √2 √2 सेम है, तो -4 और +14 मीन्स +10 आते हैं, +10√2, ये फाइनल आंसर हो गया वाई का, यानी x इक्वल्स -4√2 अगर रहा देन y इक्वल्स 10√2। तो x का वैल्यू यहाँ पर पहले पुट करेंगे -4√2 देन y इक्वल्स 10√2, ये सब हो गया इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस, ये चारों, ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।